नाजरीन, दीने इस्लाम में निकाह को आसान करने का बार बार हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में लोग झूठी शान शौकत, समाज में अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए और महज झूठी वाहवाही के लिए शादी ब्याह में लाखों करोड़ रुपये का खर्च करते आ रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों के माँ बाप पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा, क्योंकि दुनिया के चलन के हिसाब से उन गरीब माँ बाप को भी अपने लखते जिगर के लिए महंगी से महंगी शादियाँ करनी पड़ रही है। वाज़ेह है नाज़रीन के दुल्हन के हाथों में रची गई मेहंदी 8 दिनों में चले जाती है, लेकिन इस मेहंदी को रचाने के लिए इसके गरीब माँ बाप ने जो कर्ज लिया होता है उसे चुकाते चुकाते इनके हाथों में छाले आ जाते हैं। लिहाजा दीन इस्लाम की बताई हुई सुन्नतों को अपनाते हुए निकाह करने की आज वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे माहौल में एक नौजवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सुन्नत पर अमल करते हुए इंतहाई सादगी से अपना निकाह अंजाम दिया, और यह कोई आम नौजवान नहीं है बल्कि हर दिल अजीज सोशल वर्कर सैयद सलीम के फर्जंद है। जी हां नाज़रीन, सैयद सलीम के फर्जंद सैयद मुबशिर, जो कि कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने के बावजूद भी और ज़बरदस्त मालो दौलत रहने के बावजूद भी रेड हिल्स के मस्जिद कुतुबशाही दारुल इरफान में सादगी से निकाह अंजाम दिया और लड़की को अपने घर वहीं से ले चले गए। इनकी शादी में ना तो मेहंदी, सांचक, बैंड बाजा बारात और दिगर कोई भी फजूल की रसूमात अंजाम नहीं दी गई। बाद में दुल्हन वालों के इस्तकबाल का भी इनके ही घर पर बेहतरीन इंतजाम किया गया। आजकल के हमारे नौजवान को किसी सेलिब्रिटीज़ या फिर इन्फ्लुएंसर से नहीं बल्कि सैयद मुबशिर जैसे इंसानों से इंस्पायर होकर इस तरह सुन्नत के तरीक़े से निकाह को अंजाम देना चाहिए, और बेफैज़ के गाने बजाने, बैंड बाजा, बेहयाई, नाकारा रस्म व रिवाज को छोड़कर अल्लाह की रजामंदी के हुसूल के लिए आसान और सादगी से शादियाँ अंजाम देनी चाहिए। पेश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम सैयद बशीर है। आज 29 जुलाई मस्जिद कुतुबशाही में मेरा निकाह अंजाम दिया गया, बिल्कुल सादगी के साथ। कोई दहेज का लेन देन नहीं है। मैं कनाडा में रहता हूँ पिछले 3 साल से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरी जॉब है, और मैं सारे नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह सुन्नत पर चलें और निकाह को आम मनाएँ। अल्लाह के नबी का फरमान है कि निकाह को सादगी से करें ताकि निकाह में कोई रुकावट ना हो। मस्जिद में निकाह आसानी सीधा घर को जा रहे, आप कैसा हो रहा है इसको महसूस करें? मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी शादी में कोई बैंड बाजा बारात नहीं है, कोई मंजे सांचक नहीं है, सिर्फ सिंपल सा निकाह है मस्जिद में, इसके बाद सीधा यहाँ से घर को लेकर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सारे नौजवान से यही गुजारिश करता हूँ कि जिनकी भी इस्तेदाद भी अगर है तो भी आप लोग इसी तरह सिंपल और सादगी से निकाह करिए। आपके पास हर चीज़ है, दौलत, लाखों रुपए लगा के भी आप शादी अपना वली मां अगर आप कर सकते थे, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये अल्लाह के नबी का फरमान है और ये सुन्नत है, तो इंशाल्लाह मेरा ये इरादा था बचपन से, और मेरे वालिद मोहतरम की तरबियत है जो जिन्होंने बताया कि सुन्नत को आम किया जाए, मतलब निकाह को आम किया जाए और सुन्नत पर अमल किया जाए। खास करके आजकल का माहौल ये होगा कि मस्जिद में निकाह खानी कर रहे, इसके बाद बोलते तो अपने घर घन से बारात बाजा मरफे ले लेके शादी खाने को पहुँच रहे, उनके लिए कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुल्हन वालों को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए, और रोडों पे बारात निकाल कर जो लोग जाते हैं, कोई एम्बुलेंस में जाते हैं, किसी की तकलीफ़ होती रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को जल्दी जाना होता है, तो बेफालतू में किसी और को तकलीफ़ देना गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल और सादगी से जैसे निकाह है उसको उसी तरह, मतलब सिंपल और सादगी की तरह करना चाहिए। आपने को दहेज में कुछ चीज़ नहीं होना बोल के बोल रहे, लेकिन आपकी खुशी से जो देना है दियो, लेकिन उनकी बढ़ते जा रहा, इनके लिए कुछ बोलेंगे? ये बिल्कुल गलत रवैया है खुशी से लेन देन का भी। तो आप चाहे निवाला ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात तो वही है कि आप खुशी से दे रहे, जो देना है दीजिए, बिल्कुल गलत बात है। आप एक हिसाब से इनडायरेक्टली दुल्हन वालों को फोर्स कर रहे हैं कि आपको जो देना है दीजिए। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो लेन देन है खुशी से भी, इसको बंद करना चाहिए। और मैं सारे नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकलिए, बेरोज़गारी छोड़िए और कुछ हिम्मत करके थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा माल जमाइए, और फिर इंशाल्लाह अपने इस्तेदाद के हिसाब से वलीमा और सिंपल निकाह कीजिए। तो तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन आजकल नौजवान ये कर रहे हैं, उनके लिए आखिरी एक मैसेज दे दीजिए।
बिल्कुल गलत बात है ये। मैं इस बात की भी सख्त मजम्मत करता हूँ कि जो नौजवान अपनी शादी में बैंड बाजा बारात लाते हैं और अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसको इस निकाह ये बहुत पाक चीज़ है, सुन्नत की चीज़ है, तो इसको बिल्कुल आम तौर इसको आम करना चाहिए और सिंपल तरीके से करना ही चाहिए। किसी और को अपनी वजह से इस सुन्नत के काम में तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। मैं इसे सख्त मजम्मत करता हूँ। सलीम, खुश दिख रहे आपकी शादी के दौरान, लेकिन हर कोई बोलता था, ये बोलता है कि मेरे वालिद ऐसी शादी करे, मेरे उसमें बाजे ने रखे, मरफे ने रखे, अच्छे खाने को ने रखे, ऐसा बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिला है, दुनियावी और दीनी। ये दीनी तालीम का नतीजा है, कैनेडा में पढ़ के MS करके भी आज जो दीन के ऊपर कायम है, नमाज पे कायम है, सुन्नत पे कायम है, और मुझे फ़ख्र है मेरे तीनों बेटों ने भी इसी सादगी से शादी करके लड़कियों को घर लेके आए, और ना कोई बैंड बाजा, ना घर के पास किसी को तकलीफ, बल्कि सारे अड़ोस पड़ोस जो हैं मेरे घर के ऊपर अब मधु हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो लोग मेरे कहने खाने भी मधु हैं, लड़की वालों के घर पे नहीं, मेरे घर पे मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी मेरे पास अभी खाना खाएंगे, यहाँ से अभी जाए ईशा पढ़ के जाएंगे तो वो लोग मेरे माने मैं उनको तवाज़ो करूँगा घर पर, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे बहने भांजे, इनके फुफुआ वगैरह सब घर में हैं। अभी हम जाके वहाँ पे खाना मंगाए, हम सब मिलके खाएंगे, खुशी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आप ख़ास करके ये देखने को मिलता है कि मस्जिद में निकाह खानी करते हैं। मस्जिद में निकाह खानी होती है, घर से जाते वक्त में घोड़े बाजे ले लेके शादी खाने को पहुँचते। आपको कैसा लगा है कि ये जो मस्जिद में आप निकाह खानी करा रहे हैं? ये तीसरा वाक़िया है मेरे पास, मेरे तीन लड़के हैं जी, और दो लड़के हैं उनका निकाह भी मैं, डॉक्टर समीर और सैयद वसीम, उनके निकाह भी मैं मस्जिद में निकाह किया, घर लेके चला गया। ना लड़की वालों के पास मंजे सांचक, ना शादी का कोई खाना शादी खाना, ना कोई दहेज पैसा, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। मस्जिद में निकाह सीधा घर चले गए लेके, ना जुमा गिए, ना कुछ, ना किया। आपके तीनों बच्चों की भी ऐसी करे? तीनों को भी ऐसी किया। लेकिन जो माहौल ये होगा कि मस्जिद में निकाह खानी होती, बाजों के संगत शादी खाने को जाते। देखिए, मस्जिद के तकद्दस को बदनाम कर दे रहा है। अब तो करना है तो अब जाके नाचो, शैतानी अमल करो। शादी सुन्नत है, आपको सुन्नत पे अमल करके निकाह करना है, फिर आप सुन्नत पे अमल करके बाहर निकल के शैतान इबलीस के बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं, नाच रहे हैं, 500 के बंडला उड़ा रहे हैं, बाजे आधे किलोमीटर की बारात है, खानों का ऐसा फेंक रहे हैं, खाने खा रहे हैं, एक तमाशा बना हुआ है सारे का सारा। तो भाई, एक आधे घंटे पौन घंटे में तमाम चीज़ ख़त्म हो गई। अब हम लड़की को लेके घर चले जा रहे हैं, ख़त्म, हमारी बेटी हो गई हो तो बता रहे हैं। अब हमने तो पहले कह दिया, अब आपको ताजुब होगा, दो दिन पहले लड़की के वालिद मेरे पास आए, आके बैठ के बोले कि एक पलंग में देता हूँ साहब, एक पलंग की ख्वाहिश है। मैं बोला पलंग है भाई, रखा हुआ है, पलंग भी रखा हुआ है, पूरा रेडी करके रख लिया, बोलो पूरा हर चीज़ कमरे में, AC पलंग कैबिनेट्स सब बने हुए हैं, अटैच बाथरूम वगैरह। अब आप कहाँ रखेंगे पलंग? पलंग के ऊपर पलंग रखेंगे? तो बोले नहीं, कुछ तो। मैं बोला कुछ तो क्या, कुछ तो बोलते फिर उसमें शैतान आ जाता, कुछ तो में फिर और ये भी ले लो, कुछ तो ये भी ले लो, कुछ तो अच्छा ये इतना ले लो, मतलब फिर कुछ तो नहीं। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा बोला, जैसा मैं बच्चों को तालीम दिया, बच्चों को जैसा मैं दीनी तालीम दिया, दुनियावी तालीम दिया, जैसा पढ़ाया लिखाया, आज बच्चे लड़की वालों के पास से कुछ लेना हराम समझते हैं, ख़ास तौर से मेरे घर के लेडीज़। बस अब तो कोई शादी नहीं है मेरे पास, तीनों शादियाँ भी इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तीन शादी होंगे। अब देखने वालों को, अब जिस तरह से आपका बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, करना चाहे तो लाखों रुपए की शादी, करोड़ों रुपए की शादी कर सकता था, लेकिन अब जो माहौल बने हुआ उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि वो लोग जो बड़े बड़े तकारीर करते हैं, बड़े बड़े वास करते हैं, और उनके खुद घरानों में शादियाँ जो है पूरे आबोताब के साथ हो रही है, शादी खाने बनते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं शादी खाने बनना, 4-4 लाख का, 3-3 लाख का, 2 लाख का शादी खाना। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अमल करें, हैदराबाद के अंदर एक मुहिम चलाएं, और वो तमाम उलमा इकराम
सियासी कायदीन से मैं अपील करूँगा कि ये बाजे गाजे, ये रस्म व रिवाज, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करें। मेरे घर के पास एक वाक़िया हुआ कुछ दिन पहले। एक साहब अपने बच्चे की बर्थडे कर रहे हैं, आवारा औरतों को लेके आके नचा रहे हैं, रास्ता बंद कर दिए, महल्ले के औरतें आवाज़ें आ रही तो ऊपर से झांक के देख रहे हैं तो औरतें नाच रही हैं। उसमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, ACP आए, इंस्पेक्टर आए, वो औरतों को पकड़ के हका ले और वो साहब को पकड़ के जेल में बंद करे। ये आया ना आपके, आप सब चैनलों के ऊपर आया, आप लोगों के पास। तो लड़के की बर्थडे हो रही, औरतें नाच रहे हैं हमारा, तो ज़रा कहाँ चले गए हम, इस्लाम कहाँ चले गया, हम कहाँ चले गए। तो इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। मैं आवाम से यही कहूँगा कि लड़कियों को उनका हाथ पकड़ के घर को ला लो, अल्लाह खैर बरकत देंगे, तुम्हारा बच्चा बहुत कमाएंगा। हो गए, तीन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामयाब हो गया अपने मकसद में, जैसा करना चाह रहा था। अल्लाह ताला मुझ गुनहगार से काम ले लिया, शायद यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा, इन लोगों की दुआ मेरे। अपना काम आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, आपका काम जो भी है? मेरा जो भी काम है रज़ा इलाही फाउंडेशन का, वो तो चलते रहेंगे। अच्छा हो गया, अभी 15 दिन में अच्छा हो जाऊंगा तो फिर निकल के गरीबों की खिदमत करूँगा। हामिद भाई, अब जरा थोड़ा सा अभी है प्रॉब्लम है, एक 15-25 दिन का, अभी एक महीने का बेड रेस्ट है। बेड रेस्ट के बाद में इंशाल्लाह दुआओं में तमाम से कहूँगा, हामिद साहब के रिपोर्टरों से, आप लोग मुझे चाहते हैं मुझे पता है, मेरे लिए दुआ करो, मेरी मुकम्मल सेहत हो जाए, मैं गरीबों का वैसे काम निकल के करूँ। उनकी दुआओं से मैं, आप लोगों की दुआओं से मैं जिंदा बच गया। मैं मस्जिद में खड़े के बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद, एक किडनी निकाल दिया मेरा 8 घंटे की सर्जरी के बाद, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी गरीबों की जो है दुआ का नतीजा है, मेरे लिए दुआ कीजिए बस। सलाम अलैकुम। शुक्रिया। अब खास करके शादियाँ ऐसे देखने को मिलते हैं कि मस्जिद में निकाह खानी करते हैं, उसके बाद बोलते अच्छा धूमधड़ाका से बाजे और मक्के लगा के बोलते हो निकलते शादी खाने पर, लेकिन यहाँ पर आपको देखने में कैसा मिला है कि मस्जिद में बोलते हो निकाह खानी करके दूल्हे को बोलते हो घर को लेके जा रहे हो, इसमें क्या है? देखिए ये एक धोखा है कि मस्जिद में निकाह करके फिर शादी खाने में धूमधड़ाके से आप तकरीब मुनक्किद करना। दरअसल ये है कि मस्जिद से ज़्यादा बाबरकत मुकाम नहीं हो सकता, और आप खाली निकाह को, मुझे माफ़ करें, निकाह को एक समझिए कि ट्रेंड जैसी चीज़ बना दिए। निकाह सुन्नत है और शादी में निकाह ही असल है, निकाह के बाद कोई तकरीब नहीं है, ना कोई समझिए कि बारात का तसव्वुर है, ना टेबलां सजा के खाना खिलाने का तसव्वुर निकाह में है। सिर्फ समझिए कि हुक्म वलीमे का है, और वलीमा भी इस्तेताअत के मुताबिक करें, वलीमा भी शान व शौकत के मुजाहरे के लिए न करें। आज हज़ारों लड़कियां बैठी हुई हैं, और खुदारा उम्मत पर रहम करें, उन लड़कियों पर रहम करें, ये जो इसराफ़ की शादियां हैं उसको बंद करने का काम करें, नौजवान उस सिलसिले में आगे बढ़ें। खास करके ये देखने को मिलता है कि हम आपको दहेज में कुछ नहीं होना, आप दे रहे आपकी खुशी से जो बारे में आप बोलिए। बहरहाल ये कि हमको कुछ नहीं चाहिए कहा जाता है, लेकिन पलंग, बिस्तर, फ्रिज, कूलर, AC और डिनर सेट, ये सारी चीज़ें बहरहाल एक मामूल जैसी बात हो गई है। फिर कपड़े और जेवर, तो ये एक मामूल जैसी बातें हो गई हैं। कुछ नहीं चाहिए, मगर ये सब चीज़ें देना बाप पर, बच्ची के बाप पर लाजिम समझता है, ये समझता है कि ये निकाह में शामिल है, ये चीज़ें दिया तो ही निकाह होगा। तो ऐसा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 शहजादियों का निकाह किया, तो किसी में कोई जहेज नहीं दिया। जो तावीलात दी जाती हैं फातिमी जहेज, वो फातिमी जहेज कोई समझिए कि नहीं दिया गया था। हज़रत अली ने ज़िरा बेची थी, हज़रत अली के पैसे से समझिए कि घर सजाया गया था हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के लिए। कोई पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, हत्ता के महर भी हज़रत अली ने अपनी ज़िरा बेचकर लिया था। तो फातिमी जहेज कोई तसव्वुर नहीं है। शादियां सादगी से हों तो अल्लाह की रहमत आएगी, अगर शादियां आपकी शान व शौकत के मुजाहरे के लिए हो तो अल्लाह उस शान व शौकत को बर्बाद कर देगा।